द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें पेश की गईं। अदालत ने सीएम केजरीवाल से भी पूछा कि वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। वहीं ईडी से भी समन को लेकर सवाल पूछा गया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी केजरीवाल की तरफ से पेश हुए और कहा केजरीवाल हर समन का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट उन्हें ये गारंटी दे कि पेशी बाद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से पूछा कि आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, आपको पेश होने से कौन सी चीज रोक रही है। इसके जवाब में केजरीवाल की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो पेश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के केस का हवाला दिया और बताया कि कैसे उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, बस एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके वकील को गिरफ्तारी से बचने का प्रोटेक्शन चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी अब तक केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस और बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ सकती है। दोनों पार्टियां इस पर मंथन कर मोहर लगा चुकी हैं, बस ऐलान बाकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई चुनावी समिति की बैठक में तीसरी लिस्ट तैयार हो गई है। तीसरी लिस्ट में 80 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, पुडुचेरी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ की एक सीट के उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। इन 11 राज्यों की करीब 80 सीटों में अभी यूपी और बिहार की सीटों पर चर्चा नहीं की गई है। सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों की सीटों पर पार्टी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीटें चर्चा के एजेंडे में नहीं थी, इसलिए अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार की उम्मीदवारी पर सियासी सस्पेंस अभी बरकरार है। लोकसभा चुनाव के लिए पहली दो सूची को मिलाकर कांग्रेस अब तक अपने 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस के साथ आज बीजेपी भी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात की सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। सबके निगाहें यूपी की रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर हैं। गांधी परिवार के गढ़ की इन दो सीटों पर बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन प्रक्रिया के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त रखा गया है। यूपी में पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में नामांकन होगा। इन सभी जिलों में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन 8 लोकसभा सीटों में 7 सामान्य और 1 सीट एससी आरक्षित है। पहले चरण के नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को हो जाएगी। पहले चरण के नामांकन के बाद 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर 1.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 76.23 लाख पुरुष और 67.14 लाख महिला वोटर हैं। यूपी में पहले चरण की वोटिंग के लिए कुल 7,693 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही पश्चिम बंगाल में हिंसा शुरू हो गई है। उत्तर बंगाल के कूच बिहार के दिनहाटा में मंगलवार शाम केंद्र और राज्य के मंत्री आपस में भिड़ गए और पूरा इलाका लड़ाई के मैदान में बदल गया। इस दौरान
दौरान केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक की कार पर हमला भी हुआ। कूच बिहार की घटना पर केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने आरोप लगाया है कि उनकी कार पर टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। उनकी कार को पत्थरों और तीर के जरिए निशाना बनाया गया। वहीं ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा का ये आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने उनके लोगों के साथ मारपीट की। हंगामे में हालात इतने बेकाबू हो गए कि माहौल को शांत कराने के लिए पहुंचे दिनहाटा के एसडीपीओ का सिर हट गया। इस घटना के विरोध में तृणमूल ने बुधवार को 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया। बवाल उस समय शुरू हुआ जब दिनहाटा में टीएमसी समर्थक बंगाल के मंत्री उदयन गुहा का जन्मदिन मना रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक का काफिला उस दौरान भीड़ में फंस गया। केंद्रीय राज्य मंत्री के गार्डों ने कथित तौर पर भीड़ हटाने के नाम पर कुछ तृणमूल कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खबरें तो यहां तक हैं कि ममता सरकार में उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व सांसद निशीथ प्रमाणिक अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आमने सामने आ गए और दोनों में जमकर कहासुनी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ में भारत के युवा उद्यमियों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ में पहुंचे और इनोवेटर्स का हौसला बढ़ाया। स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप इवेंट है। इस कार्यक्रम की थीम है भारत इनोवेट्स। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। देश में 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, जो कि 12 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देते हैं। भारत में 110 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं और हमारे स्टार्टअप के पास 12,000 से ज्यादा पेटेंट हैं। सरकार ने बजट में रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1,00,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया है। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का शुभारंभ 18 मार्च को हुआ था, आज इसका आखिरी दिन है। कार्यक्रम में 2,000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1,000 से ज्यादा बड़े निवेशक और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां शामिल हुई। देश भर से 50,000 से ज्यादा विजिटर्स स्टार्टअप महाकुंभ में पहुंचे। तो ये थी द श्रेष्ठ भारत शो में दिन की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।